गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चैप्टर चला है आपका लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है। आज डेट 29 है। आज हम एक्सरसाइज 6.1 आगे करेंगे, उसमें एनसीईआरटी से करनी है आपको 6.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, इन फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट ओ, ये आपकी एक्स वाई है और ये एम एन है, ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पर, ठीक है। इफ एंगल पी ओ बाई, एंगल पी ओ बाई, एंगल पी ओ बाई कौन सा है, पी ओ बाई, एंगल पी ओ बाई ये आपका 90 डिग्री एंगल है, एंगल एंड ए रेशो बी, ए एंगल ये है, बी एंगल ये है, इनका रेशो दिया है 2:3, फाइंड सी, तो हमें एंगल सी फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करना है, सॉल्यूशन देख लीजिए, ए रेशो बी कितना दिया हुआ है आपको, 2:3, तो ए को लिख सकते हैं हम 2x और बी हो जाएगा आपका 3x, ठीक है। ए और बी आ गया आपका, ए हो जाएगा कितना 2x और बी है आपका 3x, ठीक है। अब देखिए एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल पी ओ एक्स इक्वल टू 90 डिग्री, 180 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल पी ओ एक्स कितना हो जाएगा, एंगल पी ओ एक्स 180 माइनस एंगल पी ओ वाई, और पी ओ वाई आपको 90 दिया है, तो 180 माइनस 90, तो आपका ये एंगल पी ओ एक्स कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। पी ओ एक्स हो गया, अब पी ओ एक्स कितना दिया हुआ है, पी ओ एक्स किसके इक्वल है, ए एंगल प्लस बी एंगल के, तो पी ओ एक्स को लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल पी, एंगल पी ए कितना है, ए है आपका 2x प्लस एंगल बी कितना है 3x इक्वल टू 90, ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90 अपॉन 5 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18, ठीक है, x आपका 18 आ गया। तो यहां से हम b a इक्वल टू कितना है 2x है, ये आ जाएगा 2 × 18 इक्वल टू 36, और b इक्वल टू आपका 3x, तो 3 × 18 कितना आ जाएगा 54, क्लियर हो गया, ए एंड बी फाइंड आउट कर लिया। अब हमें सी निकालना है, देखिए एम एन क्या है, एम एन इज अ स्ट्रेट लाइन, एम एन क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 180, एंगल बी आपका कितना है 54 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, यहां से आपका एंगल सी आ जाएगा 180 माइनस ये आ जाएगा 54 में से माइनस कीजिए 6 टू 126, एंगल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 126, क्लियर है।